Good morning, all of you. Welcome to the Hindu Analysis 12th November. I'm Saurabh and we'll discuss important news from the Hindu newspapers. Also, today's capsule and today's analysis is important from science and technology important point of view. Various news from science field have been discussed here. So guys, just focus. आगे चलने से पहले हम देखेंगे आज का thought. देखिए, a few bad chapters does not mean your story is over. What beautiful lines are mentioned here, are quoted here. See, guys, होता क्या है, हमारी life में लगातार barriers आते हैं. हम कोई काम शुरू करते हैं और कुछ barriers की वजह से वो circumstances की वजह से वो कार्य रोकना पड़ता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएंगे. कार्य रुकता है, काम रुकता है, लेकिन वो इंसान नहीं रुकना चाहिए. तो इंसान शुड मूव ऑन, डैट पर्सन शुड मूव ऑन और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. ठीक है, तो यही कहा गया है इस नाइन्थ में, डैट यू शुड नॉट स्टॉप दो योर वर्क मे स्टॉप. ऑलराइट, सो थिंग्स मूव ऑन. Alright, so moving on to the news which are important from examination hour. Pehli headline hai, dekhiye, forget curtains which switch to smart windows. So bacho, hua kya hai, smart windows ka development hua hai. This is done by the scientists and researchers jo Center for Nano and Soft Matter Sciences ko belong karte hain. CENS, आपका सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज. नैनो मीन्स 10^-9 वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स. तो CENS के हेडक्वार्टर्स आपके बेंगलुरु में है और उन्होंने क्या डेवलप किया है, उन्होंने एक हाइड्रोजेल बेस्ड विंडो को डेवलप किया है. एज यू कैन सी इन फिगर ऑल्सो, देखो बच्चों, हाइड्रोजेल बेस्ड आपका जो विंडो है उसका क्या एडवांटेज है. जो हाइड्रोजेल बेस्ड विंडो है ये एक तो आपका अपने आप ही ओपेक और ट्रांसपेरेंट होने का टेंडेंसी इसमें है. यानी ये एक थर्मो क्रोमिक बेस्ड और हाइड्रोकार्बन बेस्ड और हाइड्रोजेल बेस्ड आपका एक विंडो है. तीन तरह का विंडो उन्होंने डेवलप किया है. तो जो इम्पोर्टेंस है वो आपका हाइड्रोजेल बेस्ड है. जैसे कि आप देख सकते हैं, दे हैव डेवलप्ड थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज. वन इज थर्मोक्रोमिक, अनदर इज हाइड्रोकार्बन एंड लास्ट इज हाइड्रोजेल. सो दीज आर योर हाइड्रोजेल बेस्ड विंडोज. सो होता क्या है, ये हाइड्रोजेल बेस्ड विंडोज हैं, दीज आर ट्रांसपेरेंट व्हेन द टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर. यानी आपका ज़्यादा गर्मी नहीं है और रूम टेम्परेचर तक ये ट्रांसपेरेंट रहेगा. लेकिन अगर टेम्परेचर अबव हो जाता है और 35 डिग्रीज 40 डिग्रीज रीच कर जाता है तो ये अपने आप ही ओपेक होता जाएगा, जिस वजह से हीट अंदर नहीं आएगी. तो यूजुअली जो कर्टेंस का फंक्शन होता है एक तरीके से वो ये निभा रहे हैं. कर्टेंस के साथ साथ दे आर ऑल्सो नॉट अलाउइंग हीट टू कम इनसाइड. सो ये विंडोज एक स्मार्ट विंडोज के रूप में अपनाई जा सकती है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक पैराडिग्म शिफ्ट हो रहा है कि वी आर स्विचिंग टू स्मार्ट डिवाइसेस नाउ डेज. जैसे स्मार्ट कैमरास हो गया, स्मार्ट फोन्स हो गए, स्मार्ट व्हीकल्स हो गए, स्मार्ट ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो स्मार्ट विंडोज़ भी हम देख सकते हैं. सो दीज वर डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट CENS. इनका जो सिग्निफिकेंस है फ्रॉम सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल. सो दीज कैन बी मैनेज फ्रॉम सोलर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑल्सो. यानी आपके सन की लाइट से और आपका इलेक्ट्रॉनिकली वोल्टेज देके हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं मैनुअली. यानी अगर हम बिना टेम्परेचर को एज अ पिलर रखते हुए, एज अ पैरामीटर रखते हुए हम चेंज करना चाहते हैं उनका मॉड्यूल, जैसे कि हम ट्रांसपेरेंट अभी चाहते हैं करना या ओपेक अभी चाहते करना, तो वी कैन डू इट बाय सप्लाइंग ऑलमोस्ट 0.2 वॉट सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हम उसे वोल्टेज दे सकते हैं, जो आपके विंडो में ऑलरेडी एक एज अ ऑप्शन वहां पे होगा. तो उसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना है, बस स्विच कर देना है उनको टू दैट लेवल. एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है वो है दूसरी तरह की विंडो.
तीन तरह की विंडो है अब तक हमने बात करी है। हाइड्रोजेल बेस्ड विंडो, हाइड्रोजेल बेस्ड विंडो क्या है, आपका टेम्परेचर मिलने पे यानी टेम्परेचर राइज होने पे वो ओपेक हो जाएगा फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, और कूल डाउन होने पे वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा फ्रॉम ओपेक। लेकिन थर्मोक्रोमिक और हाइड्रोकार्बन बेस्ड में आपका जो विंडो का ट्रांजेक्शन है वो आपका हो जाएगा उल्टा यानी रिवर्स, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होने पे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने पे वो ओपेक हो जाएगा। तो जैसे भी कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ धूप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती बिकॉज़ हम इक्वेटर के पास वाली कंट्री में रहते हैं, लेकिन जो पोलर कंट्रीज़ है जहाँ पे धूप का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हीट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन विंडोज़ का भी यूसेज काफ़ी प्रचलित हो सकता है, थर्मोक्रोमिक एज वेल एज योर हाइड्रोकार्बन बेस्ड। ग्लास बेस्ड ट्रांसपेरेंट हीटर कोटेड विद कमर्शियली अवेलेबल टेम्परेचर सेंसिटिव पिगमेंट्स, यानी जो टेम्परेचर सेंसिटिव पिगमेंट्स है उनसे ये बनाया गया है, इनका कंपोजिशन हुआ है, और ये अलाउ करते हैं फ्रॉम ओपेक टू ट्रांसल्यूसेंट एज वेल एज ट्रांसल्यूसेंट टू ओपेक, दोनों तरह ही चीज़ें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, और जो आपकी नई विंडोज़ हैं इनका आप कंपोजिशन नोट डाउन कर सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपके फैटी एसिड्स से, जो अवेलेबल फैटी एसिड्स हैं उनसे बनता है, और आपका हाइड्रोजेल हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोस, सो हाइड्रोजेल का जो कंपोजिशन है वो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोस, दिस यू कैन नोट डाउन। सो ये ग्लास माउंटेड यानी दोनों ग्लास के बीच में ये चीज़ें लगाई जाती है, ये मटेरियल लगाया जाता है जिससे ये फंक्शन हमारा अचीव हो पाता है। तो एज यू कैन ऑब्जर्व व्हेन द टेम्परेचर रीचेज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, ये ओपेक हो जाता है, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट हीट मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट इज द मोटो ऑफ दीज विंडोज, इज योर एफिशिएंट हीट मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑफिसेज और आपके घर के लिए और वेरियस वेरियस पर्पसेस के लिए ये यूज करे जा सकते हैं। दीज विंडोज कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग, ये आप एक मार्क कर लीजिए, ये इंटेंसिटी का आपका पैरामीटर है, 0.2 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आप इंटेंसिटी देते हैं तो ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपेक और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस रिसर्च वॉज ऑल्सो कैरिड आउट इन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR, जिसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु। ये चीजें आप नोट डाउन कर लें। आगे, ऑल दीज आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो, यानी ये लेस कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा, अराउंड 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट के प्राइस पे ये आपको अवेलेबल हो सकता है, विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली और वेरी अनअफोर्डेबल, दिस कैन बी अफोर्डेड बाय ऑफिसेस फॉर वेरियस पर्पसेस ऑल्सो। ऑलराइट गाइस, सो दीज वर इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड एट योर CENS एंड आर बींग डेवलप्ड, और ये बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट होगा आपके नियर बाई ऑफिस में भी। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा बच्चों वो है फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारी स्पीशीज़ हैं जैसे मॉस्किटो। ऑलराइट, सो हम लगातार, एज वी ऑल नो, दिस सेंचुरी 21st सेंचुरी इज एज ऑफ बायोलॉजी, ये 21st सेंचुरी बायोलॉजी का एज माना जाता है, तो वेरियस रिसर्चेज एंड वेरियस टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हम रिसर्चेज कर रहे हैं लगातार, एंड दिस इज नॉट डन ओनली इन इंडिया, इट इज डन ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है अर्थ का, और अर्थ की जो ग्रोथ है उसके लिए वी नीड सच इनक्रेडिबल ग्रोथ, सच रेवोल्यूशंस फॉर टू फीड एंड टू सेटिस्फाई द नीड्स, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन देख सकते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन देख सकते हैं, आप वाइट रेवोल्यूशन देख सकते हैं, दीज ऑल आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल रेवोल्यूशंस। सो इनमें ही कुछ आपकी जो थियोरीज हैं और जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं उनमें नाम आता है जीन थेरेपी का, बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका टेक्नोलॉजी है। उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स आपके बोन मैरो में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिससे पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं, इट्स अ सच एन इम्पॉर्टेंट
cell or synthetic biology. All these technologies are part of your biotechnology or scientific research. इन पे लगातार रिसर्च करा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में हम ये इम्प्लीमेंट कर सकें टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल. जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप जानते हैं, और इनका एक जो पोटेंशियल रिस्क रहता है इम्प्लीमेंट करने पे, तो उन रिस्क को हटाया जाए और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाए. तो इसी के एरिया में हमने एक जो नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करी है, जो डिस्कवर करी, डेट इज़ जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी. और जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का जो सिग्निफिकेंस है वो है इंसेक्ट्स और पेस्ट को वाइप आउट करना, यानी उन्हें एलिमिनेट करना. आप जानते हैं कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल डेथ्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू वेरियस इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीजेज. जैसे आपका मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज में आपका मलेरिया, डेंगू, जिका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल स्लीपिंग सिकनेस, लाइम एंड अदर्स. All these are very, very spreading like an epidemic. All right. तो ये इसका जो control है वो इतना जल्दी नहीं implement हो पा रहा है जितना जल्दी ये disease फैल रहे. तो what is the effort? Effort क्या लगाया जा रहा है कि उन insects और उन transmitter और agents को ही wipe out किया जाए, ताकि चीज़ें swiftly driven out हो. Okay. So एक जो इसमें मेन टारगेट है वो है एलिमिनेट पेस्ट इन्फेक्टिंग क्रॉप्स, यानी जो पेस्ट क्रॉप्स को इन्फेक्ट करते हैं जिससे क्रॉप का आउटपुट कम आता है उनको करना, एलिमिनेट करना. प्लस जो मलेरियल वेक्टर हैं, जैसे आपके एनिफिलस और एडीज मॉस्किटोज जो डेंगू के वेक्टर हैं, तो इन सब को एलिमिनेट करना फॉर अ लॉन्गर टाइम. और एलिमिनेट कैसे होंगे ये, हमें एक इनहिबिटर इनके अंदर बिल्ड करना होगा जिससे ये ब्रीड जब करें, जब स्प्रेड करें, तो कोई भी वेक्टर वैसा पैदा ना हो जिसमें ये वाली डिजायर्ड ट्रेट्स हो, जिसके अंदर वायरस लाइक डेंगू वायरस, जिका वायरस, जेई वायरस कैन बी कंटेन. तो इन बायस्ड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हमने टारगेट किया है. तो टाटा ट्रस्ट जो है आपका वो डोनेट कर रहा है अराउंड $70 मिलियन, लगभग 458 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इस चीज़ के एडिशन में, इस चीज़ के एरिया में. और एस्टैब्लिश कर रहा है अपना द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, यानी TIGS. सो TIGS जो एक टाटा का इनिशिएटिव है, ये किस यूनिवर्सिटी के साथ स्टैब्लिश किया गया है, दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन. ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन. और ये किस फील्ड के लिए इनिशिएटिव है, दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन. ये आपको जाना है. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, ठीक है. तो UCSD, ये US में जो यूनिवर्सिटी है आपका UCSD, उनके साथ कोलैबोरेशन करके दे आर एस्टैब्लिशिंग अ इंस्टीट्यूट विच विल रिसर्च इन दिस एरिया. ऑल्सो दे विल बी रिसर्चिंग विद द साइमल्टेनियस टेक्नोलॉजी, जैसे स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, जो आपका लगातार न्यूज़ में रहा है. ओके. सो इन ये एरियाज आपके बूम वाले एरियाज हैं जहां से वी कैन हैव अ रेवोल्यूशन इन बायोलॉजी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके. कई बार क्वेश्चन आता है कि जंपिंग जीन्स इन मेज. जंपिंग जीन्स क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ डीएनए के एलिमेंट्स होते हैं जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन इन अ जीनोम में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे हमारा ट्रेट्स को स्विच करने का काफ़ी हेल्प मिलता है. सो बारबरा मैक्लिंटॉक, शी गॉट द नोबेल प्राइज इन डिस्कवरिंग ऑफ जंपिंग जीन्स इन मेज. सो हु गॉट नोबेल प्राइज इन डिस्कवरिंग द जंपिंग जीन्स. जंपिंग जीन्स को हम ट्रांसपोजोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये बात जान लीजिएगा. तो ये डीएनए में पाए जाते हैं, और ये जीन थेरेपी और जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. और ट्रांसपोजोन्स को डिस्कवर करने के लिए बारबरा मैक्लिंटॉक को मिला था 1970 के करीब इन्हें ये चीज अवार्ड मिला है, ठीक है. नोबेल प्राइज शी गॉट फॉर दैट एरिया. होता क्या था, एक पी एलिमेंट डिस्कवर इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला इज योर फ्लाई,
अ स्पीशी ऑफ फ्लाई. सो इनमें एक पी एलिमेंट मिसिंग था जिसकी वजह से वी वर नॉट एबल टू इनहिबिट दैट पर्टिकुलर ट्रेट. हम वो ट्रेट इनहिबिट नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से डिजीज फैलती हैं. तो व्हाट वी डिड, ये जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ, सो ये फ्रूट फ्लाइज एंड ऑल योर हाउस फ्लाइज में इंक्रेडिबली फैलाया गया. एंड प्रोपोगेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन को जो हमने प्रोपोगेट किया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटोज को ब्लॉक करने के लिए भी किया और एलिमिनेट करने को भी किया. देखिए बच्चों, अगर हमें इंसेक्ट्स को ब्लॉक करना है तो एक एक इंसेक्ट से बात नहीं चलेगा, हमें उनके अंदर का ग्रास रूट लेवल पे जाके उनके डीएनए में मॉडिफिकेशन करनी होगी, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉडिफिकेशन करना होगा जो हेल्प करेगा आगे फर्दर, क्योंकि इनका ब्रीडिंग रेट इज इंक्रेडिबली हाई, इज एक्सेसिवली हाई, जो नॉट कंट्रोलेबल बाय मेडिसिन. जैसे कि आप जानते हैं, कहीं भी आप ऑल आउट या गुड नाइट का प्रयोग करते हैं सो कभी भी 100% डेथ रेट मॉस्किटोज का हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनका ब्रीदिंग रेट इज इंक्रेडिबली हाई. सो इसलिए ये हमें चीज करना है. सो नेक्स्ट जो व्हाट इज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है जिस पे काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है. तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में आपका इनहेरिटेंस ऑफ बायस एंड ऑल्टर्ड जीन, यानी जो आपका ऑल्टर्ड जीन किया गया है, जिस जीन में मॉडिफिकेशन किया गया है, उसका इनहेरिटेंस शुड बी पुश्ड टू 100%, यानी वो 50% भी ना हो. जैसे आपका, अगर आपने कोई जीन मॉडिफाई किया है और 50% ही ट्रेट्स उसके आ पा रहे हैं, 50% नहीं आ पा रहे, तो अगेन इट इज़ नॉट सक्सेसफुल एट ग्रास रूट लेवल, क्योंकि बाकी 50% का जो रेट होगा ऑफ ब्रीडिंग, दैट विल अगेन क्रिएट द प्रॉब्लम्स एंड स्प्रेड द डिजीज. तो हम चाहते हैं कि 100% वो वेक्टर ना डेवलप हो जिससे डिजीजेस स्प्रेड होती हैं. तो उसके लिए जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी इज सुटेबल, क्योंकि ये पाया गया है 10 जनरेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो 1024 टाइम्स इंक्रीज हो गई है. दैट्स वेरी वेरी इनॉर्मस रेट. सो इस रेट से हम 100% तक अपने ट्रेड्स को एक्सट्रैक्ट करने वाला ट्रेड प्रोसीजर ला सकते हैं, ठीक है. और ये आइडिया पे बहुत रिसर्च किया जा रहा है. इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में भी इससे रिलेटेड काफ़ी रिसर्च किया गया है. जो मेजर वेक्टर है जिन पे ये रिसर्च किया गया है वो है एनोफिलिस गैम्बी, जो अफ्रीकन मलेरियन वेक्टर है. मलेरिया इज़ अ वेरी हार्मफुल एंड स्प्रेडिंग डिजीज इन अफ्रीकन नेशंस, दो इंडिया ऑल्सो डिक्लेयर्ड मलेरियल फ्री एंड श्रीलंका डिक्लेयर्ड मलेरियल फ्री, बट स्टिल वेक्टर आ जाने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अफ्रीकन नेशंस वर्ल्ड फ्री, ये नेशंस नहीं, मलेरिया वर्ल्ड फ्री नहीं हुआ है, तो उन नेशन से वेक्टर्स आने के चांसेस अभी भी हैं, ज़्यादा हैं. सो एनेफिलिस स्टेफेंसी इंडिया में एक मेजर वेक्टर है जिससे डिजीज फैलती हैं, और एनेफिलिस गैम्बी ये मेजर फैक्टर है जो अफ्रीकन नेशंस में है. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर स्पीशीज एनेफिलिस, जो कि एक मॉस्किटो ब्रीड है जिससे मलेरियल एंड वेरियस डिजीजेस आपका कॉज होता है. तो इन पे ये ट्रीट करा जा रहा है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है सो इट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिजीज. फिर हमारा जो इतना खर्चा है एंटीबायोटिक्स पे, इन डिजीज के क्योर पे, एक जो मेडिकल फंड जाता है इन डिजीज को स्प्रेड ना करने के लिए, इनका वैक्सीनेशन के लिए, वो बहुत हद तक हमारा हो जाएगा कम, तो विल बेनिफिट अस इन लॉन्ग टर्म. तो मेन आइडिया यही है कि इनका रैपिड एक्सटेंशन हो सो डेट इन म्यूटेटेड जीन से एक स्लो डाउन हो मॉस्किटो की ब्रीड में और पॉपुलेशन में. और ये भी एक डाउट है, क्या ये वर्क करेगा, क्या ये वाइल्ड मॉस्किटोज को भी वर्क करेगा, क्योंकि वाइल्ड मॉस्किटोज का टेंडेंसी होता है इन मॉस्किटोज के म्यूटेटेड जीन से रेजिस्टेंट हो जाना, यानी अगर कुछ समय बाद इन जीन का रेजिस्टेंस पावर बढ़ गया तो ये चीज़ विल नॉट बी अगेन सक्सेसफुल. तो पीरियोडिकली हमें ये चीज़ करना होगा. तो वी आर अगेन ऑन टेस्टिंग प्रोसेस कि ये लॉन्गर रन के लिए सेफ है या नहीं है. सो जैसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जानते हैं, इतना रिसर्च उस पर किया जा रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट ऑन द वर्ज कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें. सो इसलिए ये चीज़
इम्पॉर्टेंट है, ये चीज यू शुड नॉट नाउ. ओके, नेक्स्ट जो बिगेस्ट चैलेंज है दिस, ये यू कैन ऑब्जर्व टू प्रिवेंट इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइम के साथ उनमें रेजिस्टेंस ना डेवलप हो जाए उनके न्यूक्लियस में, ठीक है. और हम एक तरीके से मॉस्किटो की फर्टिलिटी रेट में एक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो दैट इज अगेंस्ट नेचर. और हमने ऑब्जर्व किया है नेचर के अगेंस्ट लिए हुए स्टेप्स हमेशा अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो उस चीज को भी हमें देखना है कि कहीं ना कहीं ये हमारा इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल बैलेंस तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है. तो रिप्रोडक्शन को रोकना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन रिप्रोडक्शन के रेट को रोकना इज पॉसिबल. तो उन दोनों में ये चीज कहीं ना कहीं गो टू एंड फ्रो चल रहा है. सो नेक्स्ट, यस, एक और जो मेजर चैलेंज है वो है द चैलेंज इज टू होल्ड द जीन ड्राइव व्हेन रिक्वायर्ड. यानी हमने अगर बहुत हद तक कंट्रोल कर भी लिया तो इस टेक्नोलॉजी को रोक पाना एट द टाइम वी रिक्वायर्ड, यानी डिजायर टाइम पे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड ये चीज फैले. डेफिनेटली उससे इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा डिस्टर्ब होगा. मान लो इंडिया में कोई एक डिजीज प्रोन एरिया है जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है, तो बाकी एरियाज में तो वो डिजीज नहीं फैल रही है. तो अगर इस टेक्नोलॉजी से हमने बाकी एरियाज के मॉस्किटो के रिप्रोडक्शन रेट्स में और उनके ब्रीडिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करा, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द फूड चेन, डेफिनेटली अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. तो हमारा मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस कि उसे तभी के तभी रोक पाना, जैसे एक स्विचिंग प्रोसेस हो जाए कि अब हम जीन ड्राइव रोक सकें और अब हम जीन ड्राइव स्टार्ट कर सकें. तो दैट विल बिकम अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में बैसिलस थरियंजिस ब्रिंजाल यानी बीटी क्रॉप्स, जो कि आप जानते हैं बीटी ब्रिंजाल उसका एग्जाम्पल है, ये अभी भी एक इन्वायरमेंटल रिस्क माना जाता है. लेकिन कुछ एरियाज में जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पे काफ़ी ये प्रचलित है, काफ़ी बेनिफिट हुआ है उन्हें क्योंकि वहाँ पे ब्रिंजाल होता ही नहीं था. अफ्रीका में मलेरियल पैरासाइट से काफ़ी फायदा हुआ है कि वहाँ पे जो जीन थेरेपी है टू कर्व द मलेरिया वो काफ़ी हेल्प करा है. तो ये किसी किसी एरिया पे ही हेल्प करेगा, यानी इट इज डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ एंडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि एक डेमोग्राफिक ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपका उसी पे ये रिस्ट्रिक्टेड रहे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज बच्चों, एज यू कैन ऑब्जर्व अ बॉनेट मैकाक. मैकाक एक स्पीशी होती है, लगभग मंकी के जैसी लगती है. But what is the alarming situation that we are losing them in South India? देखो, observe करते हैं एक, yes, you can observe there are two types of species shown in the image. एक तरफ है rhesus monkey और दूसरी तरफ है bonnet macaque. So rhesus monkey are angry ones. ये North India में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये आपके streets में, आपके temples में, आपके रिवर साइड, आपके फॉरेस्ट, हर जगह ये पाए जाते हैं. साउथ इंडिया में जो ज़्यादा पाए जाते हैं दोज़ार बॉनेट मैकाक, जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, बट दे आर फेमस फॉर इरिटेटिंग पीपल और इंटरफेयरिंग पीपल इन देयर लाइवलीहुड. सो अब ये बॉनेट मैकाक एक एंडेंजर्ड स्पीशी के स्कोप में आ गया है. नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट होने जाता है. तो इसके लिए इन्वायरमेंटली हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अलार्मिंग टोन मिला है. सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं जो साउथ इंडिया के बॉनेट मैकाक है विच आर फेमस फॉर इरिटेटिंग कॉमन पीपल कुड लूज देयर ग्राउंड एट लार्ज, यानी दे कैन बिकम एक्सटिंक्ट, दे कैन नाउ इन योर एंडेंजर्ड मार्क. ओके, अनदर रीजन्स क्या है उनके, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, रोड साइड ट्रीज को कट किया गया है, वेजिटेटिव फॉरेस्ट को लॉस किया गया है और उनका डिसअपीयरेंस देखा जा सकता है टेम्पल्स और टूरिस्ट स्पॉट से. सो ये मेजर रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये एंडेंजर हो गए हैं और नाउ दे कैन बिकम
एक्सटिंक्ट ऑल्सो. सो जो बॉनेट मैकैक्स है बच्चों, ये एंडेमिक कमेंसल्स है. एंडेमिक कमेंसल्स मीन्स दे आर मेंट फॉर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल थिंग्स ओनली. यानी ऐसा नहीं कि इनको अगर जो कंडीशंस इनको चाहिए, जैसे इनको अगर फूड चाहिए, इनको फूड कहीं भी दे दिया जाएगा तो ये सर्वाइव करेंगे. नहीं, इनको वो इन्वायरमेंट भी चाहिए जहाँ पे एक रेगुलर इंटरेक्शन भी हो फूड से रिलेटेड. सो दे आर फाउंड ओनली इन पेनिनसुलर इंडिया. इसलिए पेनिनसुलर इंडिया में, यानी आपका डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिनसुलर मीन्स अ वाटर लैंड बॉडी कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स. सो ये आपका प्रॉक्सिमिटी विद ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के इंटरेक्शन में ही ये रहना पसंद करते हैं. और दे ट्राई टू अडेप्ट टू हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम रिवर साइड टेम्पल्स टू रोड साइड फिग ट्री. यानी इन्हें एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद है. सो अब जो टॉलरेंस है लोगों में इनके प्रति, वो बहुत ही कम है और ये बढ़ता जा रहा है कि ये टॉलरेंस का रेट कम होता जा रहा है लोगों में. तो विच इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर देयर एंडेंजरमेंट एंड देयर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट. सो इससे रिलेटेड जो आपको ऑब्जर्व करना है कि करंट स्टेटस जो है उसमें जो स्टडी किया है, जैसे सेकॉन. सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सेकॉन. तो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री. डॉक्टर सलीम अली आपके बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन गोवा, जिस जो बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है. और ऐसे ही तमिलनाडु बेस्ड एक सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है जो इन पे सर्वे करती है, रोड साइड स्पीशीज पे सर्वे करती है. तो उन्होंने बताया है कि अराउंड लास्ट जो 10 टू 15 ईयर्स रहा है और जो स्पैन रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है इन देयर पॉपुलेशन. और जो गूगल बेस्ड आपका ऑब्जर्वेंस है, जो क्लोज कैमरा से मंकीज और स्पीशीज को ऑब्जर्व करता है, उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है. सो द साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट मैनी ऑफ दीज पॉपुलेशन विल गो लोकली एक्सटिंक्ट इन 10 ईयर्स. यानी 10 साल में ये लगभग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो विच इज़ एन अलार्मिंग टोन. सो दिस यू शुड ऑल कीप इन माइंड एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट गूगल अर्थ इमेजरी between 2000 and 2006 and from 2015 onwards shows a decrease. yani 2000 aur 2006 ke beech ka jo analysis hai, jo data hai, aur 2015 se ab tak ki jo analysis aur data hai usme bahut had tak giravat dekhi gayi hai. so which could be a probable reason for their decrease in population. to ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो डेट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग देम एज अ पार्ट ऑफ नेचर. सो दिस शुड बी स्टॉप्ड. अनदर थिंग यू शुड ऑब्जर्व डेट 16 फॉरेस्ट डोमिनेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज डेट वर सर्वेड इन दिस सर्वे बाय टेकन बाय सेकॉन सलीम अली your ornithology center. So what they observed that people are now less tolerant to bonnet macaw. Yani we are not accepting them as a part of nature and we are taking strict steps against them. So that can be a probable reason for their decrease in population. Another thing, if we can give them a little space, they will survive. So guys, what we all need is a little adjustment with these species and proper resident for these persons. So a government should take important steps for their resident should not be destroyed and should be taken care of. Okay, so we need to take more interest in these common and less charismatic species. Alright, before they go decline. So another example given is of sparrows. So sparrows का जो example दिया कि sparrows को हमने देखा है, इनका drastic downfall हुआ population में और now we can see कि hardly कोई sparrow आपको दिखता है. Same with your eagles. So macaws are on radar now. So we all should
take an initiative, take a probable step, and should give a handful help to all these species and to all the organizations taking care of these species. So that's it. Okay. So that's all for news today. So we'll be back with current affairs, the Hindu current affairs also taken by Kunal sir. So stay tight and do focus on these news and analysis. Very helpful for your exams, and best of luck, guys, for your life. Okay.